नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से यह खबर है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया और नाव पलट गई। हरणी लोक में ये नाव पलटी है और इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस नाव पर सवार थे जब ये नाव पलटी, 15 लोगों की जान चली गई। इसमें 13 छात्र और 2 टीचर्स की भी मौत हुई है। इसके अलावा लापता भी बताए जा रहे हैं, 6 छात्र और 1 टीचर लापता बताए जा रहे हैं। और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक नाव में कुल 31 लोग सवार थे। तो 31 लोग सवार थे और इनमें एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, 13 छात्र और 2 टीचर्स की मौत हो गई, जबकि इसमें 7 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 छात्र हैं और 1 टीचर है। और देखिए, ये नाव जो पलटी थी उसे निकाल लिया गया और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बाद में यहाँ पर खोजबीन की जा रही है, जो लोग लापता हैं उनको खोजने के लिए यहाँ पर टीमें लगा दी गई हैं और वो टीमों के जो सदस्य हैं वो खोजबीन करने में जुटे हुए हैं लापता लोगों की। और इनमें 6 छात्र और 1 टीचर लापता बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक ये हादसा बताया जा रहा है। वडोदरा में नाव हादसा पेश आया, नाव पलट गई और इसमें 31 लोग सवार थे। जो नाव में सवार थे और अचानक से पलटने की वजह से एक दर्दनाक हादसा ये हुआ कि 15 लोगों की जान चली गई, जबकि ये बताया गया कि 6 छात्र और 1 टीचर लापता हैं। बाकी लोग जो हैं वो तैरकर जरूर बाहर निकल गए, अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इसमें 13 छात्र और 2 टीचर अपनी जान नहीं बचा पाए। बेहद दर्दनाक हादसा, बेहद बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के वडोदरा से आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 6 छात्र लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब गोताखोरों की टीम यहाँ पर लगा दी गई है जो इनकी खोजबीन में लगी हुई है। 1 टीचर भी लापता बताई जा रही है। तो टीचर और बच्चे जो हैं सभी इस नाव पर सवार थे और 31 लोग कुल सवार थे और इनमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई डूबने से, 13 छात्रों की और 2 टीचर्स भी इसमें काल के गाल में समा गए। कुल 15 लोगों की मौत हुई है और 6 छात्र और 1 टीचर की खोजबीन अभी भी की जा रही है। कुल 31 लोग इसमें सवार थे।